हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल समाचार यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे इंडिया क्वालिफाई कर सकते हैं 2023 एएफसी एशियन कप के लिए। क्या है एएफसी एशियन कप क्वालिफाइंग फॉर्मेट, इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एएफसी एशियन कप है कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैम्पियनशिप, जिसमें कॉम्पीट करते हैं एएफसी मेंबर नेशन के मेंस नेशनल टीम। एएफसी एशियन कप सेकेंड ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैम्पियनशिप है कोपा अमेरिका के बाद। एएफसी एशियन कप में टोटल 24 टीमें कॉम्पीट करते हैं ग्रुप स्टेज में। एशियन कप के करंट चैम्पियंस है कातार, जिन्होंने अपना पहला टाइटल जीता था एएफसी एशियन कप 2019 यूएई में। सो, अभी बात करते हैं एशियन कप के क्वालिफिकेशन फॉर्मेट के बारे में। तो क्वालिफिकेशन प्रोसेस में टोटल 4 राउंड होते हैं। जो पहला 2 राउंड होता है वो डबल्स एज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर को। सो, क्वालिफिकेशन का जो फर्स्ट राउंड है, इसमें होता है 12 टीम्स, 35 टू 46 रैंकिंग के टीम्स। ये एशिया में टीम्स के रैंकिंग हैं, जो खेलते हैं होम और अवे गेम्स ओवर 2 लेग्स। इस ग्रुप के 6 विनर्स एंटर करते हैं सेकेंड राउंड में। सो नेक्स्ट है सेकेंड राउंड। इस राउंड में 40 टीम्स, 1 to 34 रैंक टीम्स और फर्स्ट राउंड के 6 विनर्स को डिवाइड किया जाता है 5 टीम के 8 ग्रुप्स में। सभी ग्रुप्स के टीम होम और अवे मैचेस खेलते हैं। इस राउंड के 8 ग्रुप विनर्स और 4 बेस्ट ग्रुप रनर्स अप, यानी कि टोटल 12 टीम्स, वो एडवांस होंगे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के थर्ड राउंड में और क्वालिफाई कर जाएंगे एएफसी एशियन कप के लिए। जो अगले 16 हाईएस्ट रैंक टीम है, यानी कि रिमेनिंग 4 ग्रुप रनर्स अप, 8 थर्ड प्लेस टीम्स और 4 बेस्ट फोर्थ प्लेस टीम्स डायरेक्टली एडवांस हो जाएंगे एशियन कप क्वालिफिकेशन के थर्ड राउंड में। जो रिमेनिंग 12 टीमें हैं वो एंटर करेंगे प्लेऑफ राउंड में कॉम्पीट करने थर्ड राउंड के रिमेनिंग 8 स्पॉट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेऑफ राउंड के बारे में। इस राउंड में वो 12 टीम्स होम एंड अवे 2 लेग्ड मैचेस खेलेंगे थर्ड राउंड के 8 स्पॉट्स के लिए। सो अब बात करते हैं थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन के बारे में। इस राउंड में टोटल 24 टीम्स होते हैं, 16 टीम्स सेकेंड राउंड से एडवांस होते हैं और बाकी 8 टीम्स प्लेऑफ राउंड से, जो कॉम्पीट करते हैं एएफसी एशियन कप के फाइनल 12 स्लॉट्स के लिए। इस राउंड में 24 टीम्स को 4 टीम्स के 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सब ग्रुप के पहले 2 टीम्स क्वालिफाई करते हैं एएफसी एशियन कप के लिए, जहां वो ज्वाइन करते हैं उन 12 टीम्स को जो सेकेंड राउंड से डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं। सो टोटल 24 टीम्स कॉम्पीट करते हैं एएफसी एशियन कप में। सो अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं एशियन कप 2023 में। सो करेंटली इंडिया सेकेंड राउंड के ग्रुप स्टेज में थर्ड पोजीशन पर है 6 पॉइंट्स के साथ। इंडिया के बस अब एक ही मैच बाकी है ग्रुप स्टेज में। सैडली इंडिया के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि कतार और ओमान ग्रुप के फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर ख़त्म करेंगे वो ऑलमोस्ट श्योर हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर इंडिया थर्ड पोजीशन पर फिनिश करते हैं तो वो डायरेक्टली एशियन कप के थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन में एंटर कर जाएंगे। अफगानिस्तान का अगला मैच है ओमान के साथ आज रात 10:40 PM से। वो मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है थर्ड स्पॉट के लिए। सो अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो इंडिया के लिए एक ड्रॉ ही काफ़ी होगा उनके खिलाफ लास्ट मैच में। अगर वो जीत जाते हैं ओमान के खिलाफ तो इंडिया को अफगानिस्तान को हराना ही होगा लास्ट मैच में थर्ड स्पॉट सील करने के लिए। अगर इंडिया बाय एनी चांस फोर्थ पोजीशन पर फिनिश करते हैं तो हम फिर भी थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे अगर हम एज 4 बेस्ट फोर्थ प्लेस टीम फिनिश करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें प्लेऑफ राउंड में खेलना होगा। तो गाइस, यही था इंडिया के एशियन कप में क्वालिफाई करने के चांसेस। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं एएफसी एशियन कप 2023 में। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।